जर्जी नीचे ही बैठ गए अपने आने वाले यहाँ पे। जस ना सारे अप्लायंसेस की मेजरमेंट ले रहा है, फ्रिज, डिशवॉशर, माइक्रोवेव एंड स्टोव। मैंने कहा जितनी हमारे पास जगह है ना उतनी आए ना, ऐसा ना हो हम ऊंची फ्रिज ले लें तो हमारे पास जगह कितनी कम है। तो हम अगर 69 से ये 69 इंच आई है, थोड़ी सी ज्यादा भी आएगी तो चलेगा क्योंकि इतना जगह है हमारे पास बची हुई है। अभी है ऊपर हल्की सी जगह। और ये मैंने कहा ये ज्यादा नीवा ना हो जाए ताकि नीचे गैस है या गैस ऊंची ना हो, इतनी ही हाइट चाहिए ना हमें। और कैबिनेट के बीच में उतनी आ सकती है ना बस डेप्थ भी। You never know, क्योंकि स्टैंडर्ड साइज ना हो ये स्पेशल साइज हो। बड़े साइज नाले आ रहे हैं। मैंने देखा उस दिन हम विजन पे जब गए ना तो 3-4 हाइट थी फ्रिज की, तो मैंने कहा ये हाइट हमें देख के लेनी पड़ेगी। हमारे पास 69 इंच है भी, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी चीजें हैं कि अगर गलत आ जाए तो फिर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अभी जा रहे हैं अप्लायंसेस की शॉपिंग करने, देखते हैं कुछ समझ आएगा, कुछ ले पाएंगे। ब्लैक फ्राइडे की है तो सही सेल्स डील्स, हमें जाके देखते हैं। जो एक दो स्टोर्स पे वी हैव डन ऑनलाइन रिसर्च एंड फिर बेस्ड ऑन दैट जाके देखेंगे फिजिकली कि वहाँ पे कैसी है चीज़। गुड आफ्टरनून जी, वेलकम टू अनदर वीडियो। ब्लैक फ्राइडे जा रहे हैं शॉपिंग करने। अभी तक हम ना ब्लैक फ्राइडे की शॉपिंग हम फ्राइडे को ना जाके सैटरडे को जाते हैं। मैंने डायमेंशन वगैरह लिख के रख ली हैं और जो हमारे अप्लायंसेस हैं उसकी, एंड हमने वहाँ जाना है अप्लायंसेस देखेंगे। होम सुना है होम डिपो पे बहुत अच्छा प्राइस मिल रहा है, सो विल गो एंड चेक इट आउट। ये मेरे जो शूज है ना, ये लास्ट ईयर हमने बॉक्सिंग डे पे ही लिए थे और ये एंटी स्लिप हैं, बड़े तगड़े कंपनी के। क्या था कंपनी का नाम? ये कंपनी जीती थी जो कंपटीशन हुआ था सीबीसी मार्केट प्लेस का, विंड रिवर। यस, इसी के मैंने एंटी स्लिप ले लिए थे। अब मैं आज इसको पहली बार पहनने लगा हूँ और आज पहन के देखते हैं कितने कंफर्टेबल हैं ये। पहन लिए जी नए शूज़, ज़्यादा फैंसी नहीं है बट मेरे को ज़्यादा फैंसी चीज़ें पसंद भी नहीं है, सिंपल हैं, ईजी स्लिप ऑन। मेरे को ना स्लिप ऑन्स बहुत अच्छे लगते हैं और जाके लेसेस का चक्कर नहीं रहता। मैं वैसे भी ना जितने मेरे लेसेस वाले शूज़ हैं मैं उनके लेसेस टाई नहीं करता, एक ही साइड पर छोड़ देता हूँ, एक ही सेटिंग करके रोज बिना ऐसे ही पहनता हूँ, ऐसे ही उतार देता हूँ, तो इवेंचुअली वो खराब हो जाते हैं। ओ थैंक यू वेरी मच नेहा, ये मैं भूल गया, मैंने कहा था मैं लेके जाऊँगा, क्यों अपना टेप मेजर लेके जाना जरूरी है। मैं जब भी अपना कोई ऐसा काम होता है ना, फर्नीचर लेना हो या कुछ लेना हो, एक टेप मेजर जरूर साथ लेके जाओ, किसी को मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद ही जो चीज़ आपको पसंद आई है मेजर कर लो। तो मैं निकाल के बाहर रखा था लेकिन मैं फिर आपको पता है भूलने की भूल गया, अब नेहा लेके आई है। आ गए जी हम द सेंटर मॉल। सेंटर मॉल इसलिए आए हैं क्योंकि आइया को जो गिफ्ट मिला है शूज, साइज फोर कर लेते हैं चल के, चलो फटाफट वही करने आए हैं। कुछ नहीं कर रहे, देख तो बहुत ज्यादा रश है, देखो पार्किंग फुल हुई पड़ी है ब्लैक फ्राइडे की, बहुत बुरा हाल है। और बेस्ट बाय तो वैसे ही आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए जो है फेमस है, और ब्लैक फ्राइडे इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए फेमस है। देख लो क्रूज FM आया हुआ है लाइव ऑन लोकेशन, ये हमारे यहाँ का FM रेडियो है। पॉपकॉर्न वाला है रौनक मॉल की, ये तो ये बेचारे मॉल खाली सुने पड़े रहते हैं। ओहो बेल पे देखो कितना रश है। आप लोग बताना आप लोग के यहाँ पे कहीं पे ब्लैक फ्राइडे की सेल जैसी लगती है, और किस किस ने क्या वगैरह में तो ब्रिटेन पे लगती है, हर जगह लगती है, कनाडा में तो प्रीमियम आउटलेट्स में लगती है। हाँ किस किस ने क्या क्या लिया बताना। यहाँ सेंटा आ गया ना, अब सेंटा बैठेगा, सेंटा बैठता है, सेंटा पिक्चर्स होती हैं यहाँ पे। आपने किया था जब सेंटा ने मास्क लगाया हुआ था और मास्क लगा के पिक्चर्स हुई थी। सेल फोन्स की बहुत भारी सेल है, हर जगह देखो रश है, सामने रॉजर्स है। हाँ यहाँ हमेशा रश रहता है नेहा, बाथ एंड बॉडी पे 25 for 5 ये 6 हो जाता है उस वेले कुछ ऐसा होती है, देख लिखा हुआ है 6 for 36 होता था, और ब्लैक फ्राइडे पे 25 for 6 हो जाता था। ब्लैक फ्राइडे पे एक फालतू मिलता था, आजकल 36 for 6 हुआ पड़ा है, महंगाई तो बढ़ गई है ना। आइए इधर से आजा बेटा। आ गए हैं चिल्ड्रंस प्लेस, पहुंच चुके हैं एंड अब शूज की तरफ जा रहे हैं। देखो शायद इसको मिल जाए बच्ची को बेचारी को शूज, बेचारी के शूज वापस हो गए हैं और नए नहीं मिले हैं, तो अब हम कहीं और से ढूंढ रहे हैं जाके, क्योंकि नहीं तो फिर यहीं से ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। ऑनलाइन पे साइज है, स्टोर में इन स्टोर अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे पहले हम कहीं और देखेंगे, अगर नहीं मिलते तो फिर ऑनलाइन ऑर्डर कर देंगे। बहुत रश है जी मॉल में,
हम तो अपना एक ही काम करने आए थे जो नेहा वीकेंड चेक हियर स्पोर्ट्स चेक आए हैं देखने अब किड्स के स्पोर्ट्स देखो कोई है तो नेहा ढूंढ रही है ऑनलाइन ऑनलाइन मिल गया एक और वो देखने जा रहे हैं अब स्पोर्ट्स चेक पे बहुत सा सामान मिलता है अब चल रहे हैं ये जो ऑनलाइन दिखाते हैं ना हम ये अलग है ओके चलो देखते हैं चल के नेक्स्ट जगह जा रहे हैं आप जी देखो आज हम आए हैं एक स्पेशल प्लेस कॉल्ड सास्क मेड यहाँ पे सब कुछ लोकली सस्केचवन मेड है गिफ्ट से लेके ई टेबल से लेके हर चीज वहाँ जा रहे हैं आप दिखाते हैं आपको अंदर आते ही ना इतनी अच्छी खुशबू आ रही है कैंडल्स की इतनी प्यारी चीज है बड़ा अच्छा फीलिंग आ रही है स्टोर में आके कैंडल्स देखो मेड इन सस्केचवन है सारा कुछ यहाँ उसके ऊपर रखने के लिए गर्म कर जो चीज वाह लिप बाम्स और नोज एंड पॉ एंड नोज बाम वेरी नाइस वेरी गुड यार बहुत सोना ये भी है छोटा छोटा कुछ लेना है तो नहीं कोकोनट ऑयल एंड पॉपकॉर्न्स एंड वो पापड़ बड़ियाँ तलने वाली है देखो वेरी नाइस वो आइसक्रीम्स है भैया रेडी टू ईट मील कीटो आइसक्रीम नेहा ने अपने लिए सोटी ले ली है जब बुजुर्ग हो जाएगी इधर पड़ी है फ्रेश बेकिंग बेकिंग में है टार्ट्स हैं केक्स हैं कुकीज़ हैं सिनेमम ये देखो वेरी नाइस एक्सपेंसिव काफ़ी है टम्बलर $40 मग $20 कुछ आइटम में लिए हैं अभी भी हमारे पास है अबाउट $7-8 टू स्पेंड बट ये स्टोर बहुत महंगा है भाई साहब इधर उधर तरफ महंगाई मत आना इधर एक महंगाई बहुत है $18 की बहुत ज़्यादा एक्चुअली ना यहाँ चाइना ने तुम्हें वो कर दिया हुआ है बिगाड़ दिया है चाइना ने सस्ता सस्ता चाइना का माल ये एक्चुअल माल है जो यहाँ बनता है क्वालिटी नो डाउट अच्छी होगी नहीं अफोर्ड नहीं कर सकते ना तुम सही में वो सामने उधर कपड़े पड़े हैं कपड़े बहुत अच्छा कपड़ा है हुडी है स्वेटशर्ट है और टी शर्ट हैं बट दे आर वेरी एक्सपेंसिव तो नए आ रहे हो तो ये देखो गाइड टू सास्क टून है वहाँ सास्क मेड ये बहुत लोग लेके आते हैं मेरे ऑफिस में ऐसा टम्बलर हाँ सास्क मेड हर चीज़ पे सास्क मेड लिखा है ना यहाँ ये है कॉफ़ी बहुत अच्छी होती है रोड कॉफ़ी से हम कॉफ़ी लेते थे जब हमारे ऑफिस में कोई इवेंट होता था ना हम रोड कॉफ़ी लेते थे बहुत प्यारी कॉफ़ी होती है एक्सपेंसिव है थोड़ी लेकिन बड़ी स्वाद में अच्छी है और नेहा ने पकड़ के रख लिया भैया कोई ज्वेलरी स्टोन्स हैं यहाँ की जो नेचर वो नेचर अच्छा अच्छा वैसे हाँ या थैंक्स हो गया जी सामान ले लिया है $50 का गिफ्ट कार्ड यूज हो गया 6 सेंट बच गए लेकिन हमने बड़ा अच्छा सामान ले लिया अपने आने वाले पे बहुत ज़्यादा महंगा It is so struggle थी ना फ्री के भी खर्च करने में हमें $50 नहीं था यार बिल्कुल भी वही नेहा के ऑफिस के बड़े लोग हैं बड़े लोग आते हैं तो $100 देना चाहिए इनको $50 दिया था उन्होंने चलो जी आगे चले ओहो ये देखो जी सामने क्या ब्यूटीफुल स्काई हुआ है अमेजिंग शाम का समय है अबाउट 5:30 एंड सनसेट होने लग गया है 5:30 नेहरा होना शुरू हो गया है बाहर क्या कैमरे में इतना नहीं दिख रहा लेकिन एक्चुअली में नेहरा होना शुरू हो गया ये क्लैरिटी अच्छी है ना कैमरा अच्छा अच्छा इसको सब पता है इस बच्ची को सब पता है ब्लॉगर की बेटी है भाई पता तो होगा ब्लॉगर सारा दिन यही तो बातें होती है ये अच्छी नहीं आई फोटो ये वीडियो अच्छी आई है ये बहुत अच्छी आई है क्लैरिटी जंप इनटू द कार ऑन अ फ्राइडे नाइट आई वांट टू ड्राइव विद यू लुकिंग फॉर अ बार इन द नियरेस्ट टाउन आई नेवर सीन अ स्काई सो फाइनली आरिया को जो पसंद है पहना के दिखाते हैं इसको कैसे मिले कैसे लग रहे हैं पहना के जर्जी नीचे ही बैठ गए हैं जमीन पे क्योंकि यहाँ पे हमें चेयर मिली नहीं एंड जर्जी इसको शूज ट्राई करवा रहे हैं कि कौन सा पसंद आएगा कौन सा हम लेंगे मैडम की चॉइस थोड़ा ध्यान से चलना और बीच में इलास्टिक होएगा पैर तो नहीं निकल रहा आपका आरिया ना आप देख रही है अपनी फ्रेंड के लिए गिफ्ट क्योंकि आरिया का ना
आगे अगले नेक्स्ट वीक उस दो बर्थडे पार्टीज हैं, आइया को जहाँ जाना है। वो एक चीज बताऊं कि उसने ना मेरे को इतनी अच्छी चीज दी है कि आई रियली लव्ड इट, तो आई थिंक आई शुड गिव हर समथिंग बैक लाइक नाइस गिफ्ट ले लिया जी। अब चल रहे हैं, गिफ्ट हो गए हैं, आइया की बर्थडे पार्टी अगले हफ्ते दो बर्थडे पार्टियां हैं, उसके लिए लिया इसने गिफ्ट, एक ये लिया। वेरी गुड, आइया खुश है कि उसको शूज मिल गए हैं और हम घूम रहे हैं आराम से स्टोर में। वेरी नाइस, बहुत थक गई है बच्ची ना, कहती है मेरे को घर ले चलो, मैं बहुत थक गई हूँ, सुबह से घूम रही है। अभी तो हम खाना खाने बाहर जा रहे हैं रेस्टोरेंट पर। नेहा जहाँ जाती है ना टोपी जरूर देखती है, लेकिन पहनती नहीं है कभी, आपने इसको देखा नहीं होगा टोपी पहनते हुए। जब ये जब स्नो शवलिंग के टाइम देखा होगा बस। खाना खाने आए हैं बॉस्टन पिज्जा, एंड भरा पड़ा है भाई, सब भरा पड़ा है, इतने देखो पार्किंग फुल है। एक गाड़ी की पार्किंग थी वो सामने लगा दी, एक गाड़ी की रह गई है पार्किंग। पता नहीं मन्नू आया कि नहीं आया अभी तक। ये ट्यूशन खड़ी तो हुई है एक भाई की, मन्ने की होगी, लेट्स सी। टेबल रिजर्व करवाई हुई है हमने 7 बजे की, ले और टाइम हुआ है 7:07, वी आर 7 मिनट्स लेट। वो बैठे हुए हैं जी अंदर बैठे हुए हैं, मेरे बड़ी भूख लगी है सानू भी, आप बहुत ज़्यादा भूख लगी है, सबको बहुत भूख लग रही है भैया। और देखो रश कितना है भाई साहब पीछे, वो सामने उस साइड पे बार है, लिखा है नो माइनर चलाओ, ये देखो जी नो माइनर चलाओ। और ये इधर खड़ी होकर ना मम्मी पापा को बता रही है कि क्या क्या गिफ्ट मिले हैं ना अपने, क्रिसमस ट्री के साथ सेंटा, और सेंटा के साथ एक और सेंटा संता बनता, ये भी सही है। वेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, बहुत ज़्यादा, अभी तो ऑर्डर बनने में भी घंटा लगेगा कम से कम, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, खाना नहीं आ रहा है। आर्या के बर्थडे पे भूखा मार दिया, लेकिन आर्या के बर्थडे पे टेम्परेचर प्लस में था, मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर आज चल रहा था। जब आर्या हुई थी तब तूफान थे, फिर उसके बाद हमारे घर में ऑलरेडी तूफान आया हुआ है। बैठ के अपने थाई बाइट्स और दादू दादी खा रहे हैं। अच्छा अच्छा तू खा, जितने खाने हैं खा बेटा। कैसे लड्डू? बहुत स्वाद है ना। जज जी कैसे हैं? ओह अमेजिंग, ये चिप बड़े स्वाद है। कौन से हैं पता नहीं, पोटैटो कैक्टस पोटैटो कैक्टस कट पोटैटोस। हाँ बर्गर आया है, एंड ये क्या है हमें ऑल मीट्स बाइट्स। आर्या कभी आर्या भी खा रही है, भूख बहुत लगी हुई है, 2 मिनट में हमने खा के खत्म किया है। मनु जी का पास्ता आ गया, गुड। हमारा भी आ गया वेजी पास्ता, खाओ आर्या। खाना आने में 1 घंटा लगा, खाने में 10 मिनट लगे हैं, इतनी भूख लगी हुई थी, सारा खत्म कर दिया, खा के निपटा दिया सब कुछ। इसने कुछ नहीं खाया इस बच्ची ने बर्थडे कर ली। दादी कह रही है उसका गिफ्ट से ही पेट भर गया। हमें तो गिफ्ट मिले नहीं। हाँ तो यही खाना था। हाँ उसको इतना गिफ्ट मिले हैं और शेयर भी नहीं कर रही है। ये जो कर्व होता है, फ्रॉम द कर्व यू गॉट टू प्रेस इट एंड यू प्रेस इट सेम थिंग, ऐसे प्रेस करो अच्छे से एंड हियर इट कम। ये जस्ट देखो हम ना घर आ गए, घर आके हमने केक वेक खा लिया। जस ने केक नहीं खाया, जस वॉज लाइक मेरा मन नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा यू नो फुल हो चुका हूँ, मीठा भी ज़्यादा है, तो मैंने और आया ने थोड़ा सा खाया है। मैंने देखो आइसिंग निकाल देती हूँ, ब्रेड ब्रेड खाई है। आई डोंट, आर्या का सफर चट है और जस ने हाथ भी नहीं लगाया। और जस कहता है, मैंने जस को ऐसे बुलाया बाहर कि मूंगफली खा ले, मूंगफली स्वाद लगेगी। जस ना फिर ऐसी वाली मूंगफली छिलके वाली ज़रूर खा लेता है। तो जस ना इस टाइम सर्दियों में बहुत अच्छी मिलती है इंडिया में, बहुत यहाँ पे भी बड़ी अच्छी मिलती है। छिलके वाली, ये वाली मूंगफली छिलके वाली का स्वाद अलग होता है। तो जस ना छीलना सिखा रहा है जस को, आइया को सिखा रहा हूँ कैसे छीलते थे। हम लाते थे रामलीला वाले टाइम पे ना, जब पाई लगाना शुरू करते हैं, एक ऊपर होता है नीचे होता है। हमने किलो लेके आनी, वो जो बनाते हैं वो उस पे, एवरी अदर डे किलो मूंगफली लेके आनी, गरम मूंगफली और ऐसे अखबार बिछा के
छिलके रख के मुका के उठना। मेरे को याद है जब मैं आई थी तो तुम लोग बेड पे खाते थे रात को, खाने के बाद रात को जरूर खाते थे गज्जक, ये बड़ा कुछ मिलता ये हमारे। और फिर हमने रानी बाग से दिल्ली, जो रानी दिल्ली के जो है वहाँ पे रानी बाग में अंदर बढ़ते ही ना नहीं रानी बाग में, रानी बाग में मेन मार्केट में लगाता है पाई सिर्फ उसी टाइम पे, इतनी स्वाद मूंगफली होती थी, करारी स्वाद, मजेदार। ये मूंगफली भी बहुत अच्छी है, आई एम वेरी इंप्रेस्ड, है ना, ये बहुत अच्छी है। और ये कुछ टाइम तक ही होता है, बस लोहड़ी के बाद के कुछ खत्म हो जाती है। राइट हियर डाटा, ओ द शेल्डर क्रैक। हां, इस मूंगफली से बड़े ज्यादा यादें जुड़ी हुई हैं हमारी जुड़ी हुई हैं। कितनी मूंगफली है ये? 500 ग्राम आधा किलो, $3 की आई है, $3 फॉर, वेरी नाइस। ओ आई गेट इट, आई ओपन। और ये मुकाई भी जाएगी, खाई भी जाएगी, ज्यादा दिन तक नहीं रुलेगी। तो जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सारा कुछ जरूर करना, कमेंट भी करना। तो जी थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, आप विशेस देते हो आर्या को, इतने मैसेजेस करे हैं आपने, मतलब मजा आ गया पढ़ के, जितना आपको थैंक्स करें कम है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू वॉच द वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टू राइट अ कॉमेंट, एंड सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा तो प्लीज सब्सक्राइब करें, and हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, सो लकी टू बी योर्स।